Hello guys, today we are going to react on Shahrukh Khan's savage reply to journalists. बहुत मजा आने वाला है. ये वीडियो मैंने देखी भी है बट आप लोगों के साथ दोबारा देख रहा हूँ. और ये वीडियो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है शाहरुख खान की. काफी सही रिप्लाई था तो आओ लेट्स गो. लेट्स गो लेट्स वॉच इट. Salman, one last question this side. I apologize to interview. One last question, Salman, this side. Salman. Sorry, Shahrukh, this side. I don't know, where are you speaking from? Shahrukh, this side. Kaha ho, kaha aap? Yahan, I'm literally sorry. Because, yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Dipika, it's all. Lipika. Oh, I'm so sorry, Dipika. Are bhai, are bhai. Kajol ji, Shahrukh ji, Kirti ji or Varun ji, how does it feel to be a supporting cast where the leading role is given to a car, to all the cars? Wow. पहले आपने मुझे सुबह नाश्ते में करेला खाया था. ये वो मीमर है, मीमर जो इंस्टाग्राम के छपरी मीमर. इतना कड़वा कड़वा क्यों बोल रहे? तो मैंने कार. हाँ नहीं, लेकिन क्या लंच में करेला खाया? नहीं ना. सी मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी छोटा जब भी कोई रोल करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे के सारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट यहाँ पर हैं हमारे, और हम ये नहीं सोचते कि क्या रोल है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है. और मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं. वो सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला ना. मतलब यंग डेज मींस तेरी क्या उम्र है? दाढ़ी को डाई किया ना तूने? वो बोल रहा है रिपोर्टर की यंग एज, और आप भी अभी वाले शाहरुख खान और यंग एज वाले शाहरुख खान में कितना फर्क है आपके साथ से. तो वो बोल रहा था यंग एज का क्या मतलब है? डाई किया ना दाढ़ी तूने, फिर क्या बोल रहा है तुमसे यंग एज यंग एज? अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी. हाँ अब्बू मैं बुड्ढा है ही है. अरे भाई, अरे भाई. हाँ अब्बू मैं बुड्ढा है ही है. माफ कीजिएगा, आपने जिस तरीके से बात की कि आप पर्सनल लाइफ है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने पर्सनल लाइफ को आपने खुद ही ट्विटर पे डाल दिया था, तो वो क्या था? मतलब ट्विटर पे आपने अपने भावना व्यक्त की थी जब सलमान से आप मिले थे, तो वो क्या था? तुम्हारा टेक है कि तुम मेरे ट्विटर को जैसा मर्जी पढ़ो, लेकिन यार लेकिन सर आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो वो पर्सनल लाइफ. तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करूं, मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है. शब्द नहीं है तेरे गिनती में, ऊपर वाला भूल गया, बस भूल गया तू चिंदी है, भूल गया तू. इससे पहले कहा था कि आपकी हर फिल्म में आपकी हीरोइन का नाम सबसे पहले आएगा, तो इस फिल्म में भी ये होगा? जी, विवान का नाम सबसे पहले आ रहा. Urvi. Yeah. Hi Urvi. Hi. My question is to you and Kajol both. We just now had gone for a tamasha event where Ranbir and Deepika both said that your and Kajol's chemistry is beyond palang tod, and they also said that you know nobody can replace y'all. What is your reaction to this comment? What's wrong with journalists, yeah? इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़. लेट मी स्पेसिफाई, पलंग तोड़ इज देयर केमिस्ट्री रेटिंग मीटर व्हिच इज पलंग तोड़ इज द हाईएस्ट, सो दैट इज व्हाट दे सेड. इतना तो मुझे भी मालूम है. मैं सिर्फ लगता जेंटल हूँ, जेंटल हूँ नहीं मैं. आप जवाब दें इसका प्लीज. देखिए हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार. But it's very sweet of them. I think they are wonderful. They are great friends, great co-actors. I worked with them. I don't know if you worked with either of them, but they're beautiful people. And I actually, as a matter of fact, on the way, जब मैं traffic को beat कर रहा था, तो मैंने पढ़ा उन्होंने जो कहा. And it's first of all, I think it requires a really big heart and to have this kind of feeling for other actors. And of course, we've been there for 20 years and we've tried to
क्रिएट बाय चांस एक्चुअली. हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है पलंग तोड़ है क्या, हम तो बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है. और हमारा जो हाँ घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको, तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस थॉट इन अ माइंड आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक टू. अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है वो. शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में. शाहरुख जी, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या. आपसे ऐसे जानना चाहूंगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट ये हो, कैसा सवाल है भाई? थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का. सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स. व्हाट द फक. मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूं, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा. मालूम है कहां बैठा हूं मैं? तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये? ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? ये क्या सवाल है भाई, घटिया सवाल. We move to our next question. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Oh, bhai. Do you think Baman is younger than Shahrukh? Yeah. Senior most will be by Shahrukh. Security is aaj mein ko baar fek do. So, Shahrukh, could you please allow me if I can I ask Farah and then come back to you? जो करना तो बुड्ढा बोल दिया तूने, जो करना कर तू. तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है. मेरा प्रश्न ये है, बोल ही दो, बहुत गुस्सा हो रहा है. हाँ, अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय टाइम आपके लाइफ में कितना जरूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं या हर किसी के लाइफ में कितना जरूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे ही आता हूं हर जगह, तो आप जानते हैं. इतना तो मत हंसो यार. थोड़ी मेरी आंख के शर्म तो रख लो. मुंह पे हंस रहे हो सबके साथ. फरा, पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित, मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है और इसीलिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा. पर यही होता है कि हर साल सब लोग, आप लोग दुबई चले जाते हो 31 से लेकर 3 तारीख तक सब लोग दुबई में. मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार. पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? अरे भाई ये क्या सवाल है, डेस्परेट है भाई ये. क्यों कहते हो दुबई कम वक्त? यू आर तो एक बार एक बात करना अभी ये शो के बाद ना, जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार. बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार. हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त. क्या सवाल है. वेडिंग सीजन है बॉलीवुड में, रणवीर सिंह, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा सभी शादियां कर रहे हैं. अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड. अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मां ने शुरू किया था. इसने तो ना ट्रेंड इसने कैसे कर दिया? अनुष्का ने शादी की तो सब शादी, ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं. तो रणवीर, दीपिका एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स है प्रियंका. अरे भाई सब करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा. मैं क्या करूँगा उनकी शादी पे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूँगा यार. क्या सवाल है भाई, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूंगा, मैंने जो भगवान बार बार शादी करता रहूं, ऐसे थोड़ा होता है. अनुष्का आप क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड द जो ट्रेंड तूने शुरू किया था. इट्स लाइक एक ऐसा करते हैं मैंने ना एक साइट पे देखा हुआ है, क्या कहते हैं, ए और ने फॉर द ट्रेंड, ये और ने. तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है उसके लिए ये, किनके ये बोलो सब. इसने जो ट्रेंड शो किया है, शुरू किया शादियों का, इससे पहले जो एग्जिस्ट नहीं करता था, और तुम लोग कैसे पैदा हुए मुझे पता नहीं, बट सब बोलो ने. तुम लोग कैसे पैदा हुए? I think what she means, the lady, is that Anushka's wedding was so beautifully and classily done that it re-inspired us all in love again. And I agree with what you're saying, because I remember when I saw that picture, I got all sentimental and I was like, wow, yeah, that's so nice. And I felt that way because it was, there was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love
अगेन अच्छा तभी इसने इसी से विकी कौशल को ढूंढा भाई कि शादी करनी है रे हो हाय शाहरुख सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस सर सीरियस शाहरुख हाल ही में बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार ने आपको बॉलीवुड का किंग कहा है किंग खान कहा है तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को तुझमें नाम लेने की तो हिम्मत हो नहीं रही उस स्टार की सलमान खान शाहरुख सलमान खान है वो ऐसा कहते हैं सलमान ट्रू सुन लिया अब तो सुन लिया दोस्त कितनी बारी चलाएगा ओके वी ऑल काइंड टू ईच अदर वी रिस्पेक्ट ईच अदर आई थिंक व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड वी जेन्युइनली आई विल इंक्लूड माईसेल्फ इन इट आल्सो इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग बहुत मेहनत से हमने वो कमाया है जो हमने कमाया है पहले पूछ लेता हिम्मत नहीं तुझे नाम लेने की तू क्या बात कर रहा है बेटा खड़ा किया पिल्लर जेब में था किलर साथ वाले किलर